नमस्ते। नमस्ते, लेकिन आप है कौन? सॉरी। सॉरी किस लिए? वो अचानक मैं यहाँ आ गई, आपको डिस्टर्ब किया ना। वो तो ठीक है, लेकिन क्या कुछ काम था? वो एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तो? और मेरी फोन की बैटरी भी चली गई है, तो क्या मैं आपके घर से एक फोन कर सकती हूँ? अरे बस आओ बेटे, आओ अंदर आओ। थैंक यू। आओ अंदर, वो देखो फोन पड़ा है। नमस्ते। वेंकट जी, कौन है ये कुड़ी? इस बेचारे की गाड़ी और फोन दोनों ही खराब है, तो फोन करने आई। अच्छा वेंकट जी, बहुत जोर से दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुला दो ना। क्या हुआ आंटी जी? और लगता है मेरे पैर में ना मोच आ गई है, बड़े जोर से दर्द हो रहा है मुझे। मैं देखूं? तू देखेगी? देख, आजा। यहाँ? हाँ। मैं क्या जी, ये दर्द ठीक होगा ना, तभी मुझे चैन आएगा। हाँ। मैके जी, ये दर्द तो एकदम गायब हो गया। ऐसे लगता है मैं कभी गिरी ही नहीं थी, ना मेरे पैर में मोच आई थी। ओ कुड़िये, तू जादूगरनी है? हाँ, तूने हाथ लगाया और मेरा दर्द छू मत कर। ओ कहीं तू डॉक्टर वॉक्टर तो नहीं है? ऐसा ही समझिए आंटी जी, अगर मेरे छूने से आपके पाव का दर्द चला गया है तो आपको मुझे फीस देनी पड़ेगी। अरे भाई, वो तो हम देंगे ही, तुमने इलाज जो किया है। कितने रुपए चाहिए तुझे? एक जोर की चप्पी। ओए बस, ओए आजा फिर। कुड़िये जीती रहा तू। ओए तेरा नाक ही है। अरे रहने दो ना सुष्मिता, वैसे भी तुम्हें कहाँ याद रहते हैं? आपको ना टांग अड़ाने की बहुत आदत है नारायण। नारायण नहीं, मेरा नाम ब्रिज है। नाम से क्या होता है? नाम से क्या होता है? बिल्कुल आंटी जी, नाम में क्या रखा है। इसलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ, आप मुझे पुत्र कह के बुलाओ। जिंदी रहे पुत्र। ठीक है, तो मैं चलती हूँ आंटी जी। जीते रहे पुत्र, जीते रहे। अरे बस। देखा जूजू, कुकू और टुकू को मैंने बाय कर दिया ना, और तो और कोई गड़बड़ भी नहीं हुई। अच्छा तो मैं चलती हूँ आंटी जी। अच्छा पुत्र। नमस्ते। बिल्कुल कुलजीत जैसी है ना। क्या कहा? कौन कुलजीत? था एक बेगाना, लेकिन अपनों से भी बढ़कर था। तुझे देखकर ना पुत्र, मुझे उसकी याद आ गई। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। वही वाह, कमाल की लड़की। आई थी यहाँ पर फोन करने, फोन तो किया नहीं, देखो तुम्हारा दर्द गायब करके चली गई। काश ऐसे संस्कारों वाली हमारी बहू होती। जाओ धर्मेंद्र, देखो कौन आया है। धर्मेंद्र साहब, गाड़ी आई। अरे आओ भैया, अरे हमारे बेटे ने गाड़ी भेज दी है। चलो भाई सामान ले लो। उठाओ उठाओ, मैं नहीं उठाऊंगी इस बार। चलिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कुकू ने कहा कि अगर मुझ जैसी लड़की उनकी बहू बन गई तो कितना अच्छा होगा। इसका मतलब कुकू मुझे स्वीटी पाई से ज्यादा पसंद करती है। ए,
उस चतुर ने अपनी चतुराई फिर से शुरू कर दी। इसे सबक सिखाना पड़ेगा। किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। ओ मागो, की? और दूरबीन ने हमारा मुंह काला कर दिया। हमको पूरा यकीन था एक ना एक दिन वो दूरबीन तुम्हारा मुंह काला जरूर करेगा। देखो ना। अरे देखो बोलची। ओगो तुम्हारा मुंह काला नहीं है। ए देखो चौथो शब्द। चलो छाद में पापड़ सुखाने का है। चलो चाबी देखो बहाना बनाता है। मुंह काला गिलास भी पी। तो दुबिन भी ठीक है। पहले लड़की का भूत, फिर सरदार जी का भूत, और अब मेरा प्यारा दुर्बीन का भूत। वह जाके पापड़ी सुखाता है। अब आए ना इस चतुर की अक्ल ठिकाने। अब ये अपने दूरबीन से मेरे जूजू के घर में झांकने की कोशिश कभी नहीं करेगा। मेरे जूजू का फोन होगा। हेलो जीनी। आपको मेरी याद आ रही थी। जीनी मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि मम्मी पापा गए। हाँ कुकू और टुकू चले गए। गुड। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? जूजू ये कैसा सवाल है? मेरे होते हुए गड़बड़ हो सकती है क्या? अच्छा जूजू सुनो ना जल्दी आओ ना मैं बहुत बोर हो रही हूँ। जीनी मैं कल सुबह आऊंगा। तुम एक काम करो तुम सो जाओ सुबह मिलते ठीक है? अच्छा सुनिए ना आप जरा अपना ख्याल रखना और वो फ्लाइट ध्यान से उड़ाना ओके? जीनी
मैं एक अच्छा पायलट हूँ। अच्छा, तो आपका प्लेन कैसे क्रैश हुआ था? चलो कोई बात नहीं, उस क्रैश की वजह से कम इस जीनी को अपना जूजू तो मिल गया। अच्छा, अब फोन रखूं? ओके, बाय बाय। जीनी, हेलो जीनी, गुड मॉर्निंग, प्लीज कम आउट। गुड मॉर्निंग जूजू। गुड मॉर्निंग मित्रम, कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? एकदम मस्त। जूजू, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी थी। अच्छा? हाँ बोलो। देखो वो लगता कोई आया है। मित्रम, कृपया करम बोतलम में कुदलम। प्लीज हम। ओके, सो स्वीट हम। आई कम हम। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम क्यों मुझे देखकर चौंक क्यों रहे हो? मैं अपने घर में नहीं आ सकती? आ सकती हो, बिल्कुल आ सकती हो, तुम्हारा ही घर है बेबी। लेकिन क्या है ना प्रिया, इतने सुबह सुबह मैंने तुम्हें आज तक कभी नहीं देखा। तो क्या है ना स्वीटी पाई, मैं रात भर सो ही नहीं पाई। क्यों? ये सोचकर कि हमें कौन सी रेट फिक्स करनी चाहिए। रेट? कैसे रेट? विक्की, हमारी एंगेजमेंट की डेट याद है ना? अंकल आंटी को डेट फिक्स करके बतानी थी। भूल गया था। आओ पहले बैठो तो सही। बैठो, कम। क्या हुआ? विक्की, मुझे लगा कि सोफे पे कोई बैठा है। अच्छा? ओह, एक मिनट। बैठो बेबी। यू सिट हियर। ओके? ओके। यू सिट देयर। I sit here, we talk face to face. Okay. Oh God, Vicky, संभाल के। Yeah. तुम ठीक हो? Yeah. अच्छा देखो, हम वहाँ बैठते हैं। No, no sitting, no sitting. No. Only standing, standing. Okay. आओ हम चलते चलते, टहलते टहलते बात करते। Okay. तुम क्या कह रही थी? पता है, मैंने ना हमारी फैमिली जोशी से बात की है। अच्छा। तो उसने हमारी एंगेजमेंट के लिए कुछ डेट्स बताई है। हाँ। हमारी एंगेजमेंट के लिए 14 कैसी रहेगी? 14? ओके, ओके। क्या हुआ? विक्की, कैसे गिरा? ओह, ओह, बेबी, वो देखो, खुली खिड़की। सर्दी का मौसम है, हवा चली और ये गिर गया। हाँ, ये सब छोड़ो, फॉरगेट इट बेबी। और कोई डेट दी तुम्हारे ज्योतिष ने? बताओ बेबी। वो कह रहा था कि 16 भी सही रहेगी। 16? 16 मतलब 1+6=7। 7? I'm born on 7th of July. This is very low. क्या हुआ विक्की? प्रिया, विक्की, बेबी, तुम्हारे ज्योतिषी ने जो डेट्स दिए ना, उसमें गड़बड़ है। हाँ, हाँ बेबी, तुमने 14 कहा, तेज हवा चलने लगी। तुमने 16 कहा, तुम खुद टूटने वाली थी। हाँ। इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए, प्लीज तुम अपने ज्योतिषी के पास जाकर फ्रेश डेट्स ले आओ। शाबाश। पर विक्की, ये अचानक तूफान चांद तक थम जाएगा बेबी, डेफिनेटली थम जाएगा। उसके बाद हम रेस्टोरेंट में बैठ के डिनर खाते खाते डेट फिक्स करेंगे। वैसे विक्की, मैं सोच रही थी आज रात हम डिनर उस नए रेस्टोरेंट में करें, ज़ोनो। क्या तुम मुझे श्श क्यों कर रहे हो? कभी मच रही है मुझे, ये तूफान है ना, इसलिए कब कभी से आ रही है मुझे, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम जाके टेस्ट ले आओ, मुझे बहुत ठंडी लग रही है, जाओ। एक मिनट विक्की, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जबरदस्ती मुझे यहाँ से भेज रहे हो? ऑफिस जाना है ना। तुम ऑफिस जा रहे हो? हाँ। तो पहले क्यों नहीं बताया? प्लीज जाते जाते मुझे मॉल तक छोड़ देना। क्यों?
क्यों? अब एंगेजमेंट की शॉपिंग करनी है, चले या कोट ले लो? ऑफ कोर्स, वेलकम। विक्की कमिंग, चलो एक मिनट। ये स्वीटी पाई फिर से मेरे जूजू को लेके उड़ गई। मेरे पास सिर्फ एक ही महीना है और इस एक ही महीने में मुझे बहुत कुछ करना है, वरना वो तीखी मिर्ची मेरे जूजू के साथ सगाई कर लेगी। मैं क्या करूं? वैसे एक बात है, जूजू मुझे पसंद तो करते हैं, पर प्रॉब्लम है उन्हीं को इस बारे में नहीं पता। क्या करूं मैं? कुछ तो आइडिया निकालना होगा। हाँ, इसी जादुई डिब्बे से मुझे आइडिया मिलेगा। ये जो अगला मेल आया है, ये भेजा है दिल्ली से गुड़िया ने। गुड़िया लिखती है कि मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे ये पूरा यकीन है कि वो लड़का भी मुझे उतना ही पसंद करता है। कितना बोरिंग प्रोग्राम है। क्या वो लड़का मुझे सच में प्यार करता है या नहीं? अरे, इसके साथ भी वही हो रहा है जो मेरे साथ हो रहा है। तो गुड़िया रानी, अगर ये तुम्हें सच में पता करना है कि वो तुमसे सच में प्यार करता है या नहीं, तो उसको जलाओ, उसको जेलस फील कराओ, उसके ही किसी खास दोस्त के साथ उसी के सामने घूमो फिरो ताकि वो जल जाए और उसको आपकी वैल्यू मालूम पड़ जाए। समझी गुड़िया रानी? खास दोस्त, अब मजा आएगा जूजू के खास दोस्त के साथ। गुड मॉर्निंग सर जी। हाँ जी, मुबारक। थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये तो बता कि मैं तुम्हें थैंक यू बोल क्यों रहा हूँ? बहुत सुंदर लड़की है कैटरीना कैफ ना, रात को पिक्चर देख के आया था उसकी। अरे, मेरी भी फेवरेट हीरोइन है। नहीं सर, कैटरीना कैफ ने, वो बहुत सुंदर लड़की है, आपसे मिलने आई है। मुझसे लड़की मिलने आई है? कहाँ है? सर, मैंने उसे आपके केबिन में बिठा दिया। सर, सच बताइएगा कौन है वो? अब ये तो मैं उससे पूछ के बताऊंगा तुझे कि कौन है वो। सच में सर, बहुत सुंदर लड़की है। अच्छा, आप उसे देखोगे ना तब अपने आप को भूल जाओगे। अच्छा, अगर मैं अपने आप को भूल गया तो मुझे याद दिला देना कि मैं वेला हूँ। अबे, अब देख क्या रहा, जा काम करना अपना। यस, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.